आज कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी शनिवार 9 नवंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। जयति श्री गोवर्धन धरह। अपने अपने टोल कहत ब्रजवासिया, शरद कहूं निस जाय दीप मालिका जो आई। गोपन मन आनंद फिरत उन्मत अधिकाई। एपन थापे दीजिए घर घर मंगल चार। सात बरस को सांवरो खेलत नंद द्वार कहत ब्रजवासिया। सात बरस के कुंवर कन्हैया ने बड़े बड़े नंद उपनंद के सामने प्रस्ताव रखा कि इंद्र पूजा को छोड़ दो, श्री गोवर्धन पूजन करो, अन्याश्रय का त्याग करो। और सब मान भी गए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है कि जहां से भी अच्छी सीख मिले सीख लो। चिरंजीव श्री लाल बाबा का गौ प्रेम सभी को मालूम है। गायों में गोपाल का अनुभव श्री जी हमें घर में ही करवा देते हैं। कृपा करके आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए। घर में लाल बाबा को देखकर यही सोचता हूं कि इस बालक को गाय का महात्म्य मालूम है क्या? क्या ये गाय को पूछता है क्या? नहीं, ये उससे भी ऊपर की अवस्था है। ये गायों से परिवारवत प्रेम करता है और यही पुष्टि है। श्री जी ने गायों से प्रेम किया और अगर प्रत्येक व्यक्ति गायों से प्रेम करने लग जाए तो वास्तविक रूप में हम हमारी मां समान गौ माता की सेवा कर पाएंगे। प्रथम गौचारण चले के नाही, क्या महत्व माना है गौचारण का कि प्रथम गौचारण का उत्सव मनाया जाता है जिसे हम गोपाष्टमी तरीके से मनाते हैं। मधुराष्टकम में श्री प्रभु के रस स्वरूप वर्णन में गायों का वर्णन आता है, गावो मधुरा। श्री वल्लभ द्वारा गाय के महात्म्य को ही प्रकट कर रहा है। गौ पूजन से भी ज्यादा गौ सेवन सेवा में प्रेम है, समर्पण है, अपनापन है, पूजन में मर्यादा है। श्री राम अवतार एवं कृष्ण अवतार गायों के कारण ही हुआ है ऐसा बोलना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री रामचरितमानस में आता है, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि ग्यारी। श्रीमद भागवत जी में भी वर्णन आता है, गौ भूत्वा अश्रुमुखी खिंता करुणम विभो। और गायों के बिना कौन गोपाल? पर आज भारतवर्ष में गायों की स्थिति बड़ी दुखद है और इस स्थिति को बदलने के लिए आवश्यकता है गौपालक की, गौ सेवक की, गौ संवर्धक की, गौ उपासक की, जो गायों से प्रेम करता हो। क्योंकि प्रीतम प्रीत ही ते पई। और सूफियाना बात करें तो खुदा आशिकी से मिलता है, बंदगी से नहीं। तो ऐसे प्रेमियों का मैं आह्वान करता हूं जो गायों से और गोपाल से प्रेम करते हों, वे गायों की सेवा के लिए आगे आए और गौ माता को लाड़ लड़ाए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गोपाष्टमी उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयां। गोपाष्टमी उत्सव की प्रभु श्रीनाथ जी में भावना सेवा क्रम हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप दर्शन करना चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है।
आज सायंकाल प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला में विशेष गौ क्रीड़ा और गौवंश क्रीड़ा होती है। यदि आप श्रीनाथ जी की नगरी में हैं तो गौशाला अवश्य जाइए और इस विशेष आयोजन का आनंद लीजिए। दो और विशेष जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। कल अक्षय नवमी है, इस अवसर पर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के मंदिर में विशेष छप्पन भोग होगा। आप श्री जी की नगरी में हैं तो दर्शन करना न भूलें। और दूसरी जानकारी को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यह नाथद्वारा से वाया हल्दीघाटी उदयपुर राजमार्ग है। इस मार्ग से माउंट आबू भी जाया जा सकता है। नाथद्वारा से 40 किलोमीटर दूर यह घसियार है। यहाँ पर प्रभु श्रीनाथ जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसके बारे में हम सभी वैष्णव यह भली भांति जानते हैं कि एक समय प्रभु श्रीनाथ जी यहाँ विराजे थे। संदर्भ यह है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष अक्षय नवमी के दिन गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट के दर्शन होते हैं। तिलकायत श्री राकेश जी महाराज एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के सानिध्य में मंदिर मंडल नाथद्वारा द्वारा इस मंदिर का संचालन किया जाता है और प्रतिवर्ष नियमित रूप से विधि विधान से परंपरा अनुसार यह सभी क्रम पूर्ण होता है। प्रातः 11 बजे से यह क्रम प्रारंभ होता है और सायंकाल अन्नकूट दर्शन तक चलता रहता है। इस दौरान गौ क्रीड़ा भी होती है और गोवर्धन पूजन भी होता है। क्योंकि प्रभु श्री जी यहाँ विराजे थे, अतः प्रभु श्री जी में होने वाले क्रम की ही भावना यहाँ भी रहती है, जिसके दर्शन आप और हम सभी कर सकते हैं। यहाँ पर वैष्णवों को एक और सुविधा प्राप्त है कि वे गौ सेवा भी कर सकते हैं और अन्नकूट में भी अपनी सेवा दे सकते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह दिव्य शंखनाद के संकलन से पूर्व के वर्षों के हैं। आज की प्रस्तुति में हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज गोपाष्टमी उत्सव के दर्शन करने के पश्चात अक्षय नवमी की प्रभु श्री जी में सेवा भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करेंगे। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का में आज गोपाष्टमी उत्सव है, अतः श्री जी को गौचारण के भाव से मुकुट कांचनी का नियम का श्रृंगार धराया गया है। इस ऋतु के मुकुट कांचनी के ये छेले श्रृंगार हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियां धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान
हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम रंग के आधार वस्त्रों पर खंडों में गायों के कशिदा वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि लाल आधार वस्त्र पर पीले रंग के पुष्प पत्तियों के कशिदे के काम वाला हाशिया बना हुआ है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। इनमें से गादी एवं तकिया पर लाल वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की त्रिष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज लाल रंग का रेशमी सूथन धराया गया है, जिसके ऊपर हरे व लाल छापा की कांचनियां धराई गई हैं। मेघश्याम रंग की दरियाई वस्त्र की चोली प्रभु को अंगीकार करवाई गई है। लाल दरियाई वस्त्र का रासपट का धराया गया है तो पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्वेत धराए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरे की प्रधानता वाले वन्ना माणक मोती के जड़ाव के धराए गए हैं। श्री कंठ में विशेष रूप से माला, दुलड़ा, हार आदि धराए हैं तो साथ में कली, कस्तूरी आदि माला जी भी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज मुकुट का साज धराया गया है, जिस पर हीरा की प्रधानता वाली जड़ाव की मुकुट की टोपी धराई गई है। टोपी के ऊपर प्रभु को आज स्वर्ण में जड़ित हीरा एवं अन्य रत्नों का सुंदर मुकुट धराया गया है। सिरपेच भी धराया है और बाईं तरफ शिशुफूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा जड़ाव के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। हीरा की चोटी जी भी धराई गई हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ हीरा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर दो वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के और दूसरे स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट,
काशी वाला और गोटियां स्वर्ण की कूदती बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है, जिनमें श्रृंगार में चार झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई गई हैं। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में प्रथम गौचारण को दिन आज, श्रृंगार में प्रथम गौचारण चले री कन्हाई, राजभोग में गोपाल माई चलत देखी यतनी के, आरती में लटकत चलत युवती सुखदानी, शयन में धेनु को ध्यान मेरे निश दिनारी, मान के पद में बोलत कान्ह नागर वैन, पोड़वे में पोड़िए घनश्याम बलैया ले हो। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला श्रृंगार राजभोग आरती दर्शन एवं शयन में प्रभु की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में प्रभु को प्रातः धराए मुकुट टोपी और दोनों कांचनी संध्या आरती दर्शनों के उपरांत बड़े कर दिए जाते हैं और शयन दर्शन में मेघश्याम चाकदार वागा धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल कूल्हे एवं तनी धराए जाते हैं। आभरण सभी छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। इसके साथ ही आज संध्या आरती दर्शन में प्रभु को छोटे वेत्र जी श्रीहस्त में धराए जाते हैं। साय समय शयन से पूर्व जब रसोईया बोलता है तब प्रभु श्री जी में आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है, जिसके साथ मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है। आप भी इस दीप झाड़ पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ की परिक्रमा भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी के गोपाष्टमी उत्सव के दर्शन के पश्चात आइए कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी रविवार 10 नवंबर 2024 अर्थात अक्षय नवमी उत्सव के प्रभु श्रीनाथ जी में भावना सेवा क्रम एवं संक्षिप्त दर्शन करते हैं। अक्षय नवमी उत्सव की भावना से दर्शन करें, सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आज अक्षय नवमी है और कहा जाता है कि इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता है। आज के दिन किए गए पुण्य व कर्मों का भी क्षय नहीं होता है। भावना यह है कि आज के दिन प्रभु श्री कृष्ण का गोविंदाभिषेक हुआ था। गोविंदाभिषेक क्या है?
जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि उसकी पूजा रोक दी गई है तो उन्होंने ब्रज में प्रलय के समान स्थिति पैदा कर दी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वयं प्रभु नंद राय जी के यहाँ प्रकटे हैं और यह उनकी ही लीला है, तो इंद्र ने स्वयं प्रभु के समक्ष अपने कृत्य की क्षमा मांगी। इंद्र अपने साथ दिव्य एरावत हाथी और कामधेनु गाय सुरभि को लेकर आए थे। प्रभु के समक्ष उपस्थित होकर श्री चरणों में आपने क्षमा मांगी तो प्रभु ने उन्हें क्षमादान दिया। तब इंद्र ने एरावत हाथी के माध्यम से आकाश गंगा के जल तथा कामधेनु गाय सुरभि के दूध से प्रभु का अभिषेक किया, जिसे गोविंदाभिषेक कहा जाता है। तभी से प्रभु का एक नाम गोविंद भी प्रचलन में आया। एक और उल्लेखनीय तथ्य है कि आज श्री जी के घसियार स्थित मंदिर में अन्नकूट मनोरथ होता है। अब श्री जी में सेवा क्रम देखें तो आज पूरे दिन की सेवा द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठल नाथ जी के घर की होती है। मंगला से शयन तक सभी समय में सेवा हेतु श्री विट्ठल नाथ जी मंदिर से खबर आती है। श्री जी में आज के श्रृंगारी भी द्वितीय ग्रहाधीश श्री कल्याण राय जी व उनके परिवारजन होते हैं। आज प्रभु को अन्नकूट के दिन धराए वस्त्र व श्रृंगार धराए जाते हैं एवं गायों के चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। कह सकते हैं कि आज अन्नकूट का प्रतिनिधि श्रृंगार धराया जाता है। केवल ऊर्ध्व पीताम्बर प्रभु को नहीं धराया जाता है, प्रभु को आज पूरे दिन तुलसी की माला जी धराई जाती है। भोग आरती में तुलसी की गोवर्धन माला जी धराई जाती है। अक्षय नवमी का उत्सव होने के कारण श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दही की सेव पाटिया के लड्डू अरोगाए जाते हैं। प्रभु को केसर कस्तूरी व बूरे से युक्त पेठे के टूक अरोगाए जाते हैं। राजभोग की सकड़ी में केसर युक्त पेठा अरोगाया जाता है। आज के पश्चात इस ऋतु में जल रंग से चित्रांकित पिछवाई नहीं धराई जाएंगी। की साज सेवा में आज बड़ी गायों के अद्भुत चित्रांकन से सुसज्जित सुंदर पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल रंग की एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद रंग की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल सलीदार जरी का सूथन, रूपहरी फुलकशाही जरी की चोली एवं चाकदार वागा धराए जाते हैं। पटका सुनहरी जरी का धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र अमरसी रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का दो जोड़ी मानक व पन्ना का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार बाजूबंद पोची हस्त सांखला आदि सभी आभरण मिलवा हीरा मानक पन्ना तथा जड़ाऊ सोने के अन्नकूट की भांति धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर रूपहरी फुलकशाही जरी की कुल्हे के ऊपर सिरपेच लाल जरी का गौकर्ण पांच मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। चोटी जी बाईं ओर धराई जाती हैं। श्री कंठ में प्रभु के टोडर व त्रवल दोनों धराए जाते हैं। कस्तूरी कली आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में कमल छड़ी हीरा के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में व्यंजनिया नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट नित्य का व गोटी जड़ाऊ रखी जाती है। श्री जी को आरसी आज सोने की एवं पीले खंड की दिखाई जाती है।
सायंकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन में तुलसी की गोवर्धन माला धराई जाती है कंदरा पर। प्रातः धराए श्री कंठ के श्रृंगार, संध्या आरती के उपरांत बड़े कर शयन के समय छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कूल्हे होती हैं, अतः लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। प्रातः की पिछवाई बड़ी कर फुलकशाही जरी की पिछवाई आती है। शयन भोग में सखड़ी में पेठावड़ी का शाक एवं केसर युक्त पेठा रोगाया जाता है। राग सेवा के तहत मंगला में प्रथम गौचारण चले गोपाल, राजभोग में सोहत लाल लकुट कर राती, आरती में नंद नंदन नवल नागर, शयन में कैसे कैसे गाय चराई, तथा पोढ़वे के पद में आंगन में हरि सोए गयोरी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रथम गोचारण चले गोपाल, प्रथम गोचारण चले गोपाल, प्रथम गोचारण चले गोपाल, प्रथम चारण चले गोपाल। जननी जसोदा करत आरती, जननी जसोदा करत आरती, मोती न पूरे थाले, मोती न पूरे राई लो न उतार यशोदा, गोविंद
कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।